मॉर्निंग बेटा। तो हम आजकल क्या कर रहे हैं? ई की मात्रा, छोटी की मात्रा, जो जिसको हमने क से लेके ण तक लगाया है। और आज हम लेके आएंगे आपके लिए त से लेके व तक। इसको मात्रा लगानी है त से लेके व तक के व्यंजन के लिए, ठीक है? तो जैसे देखेंगे आप बेटा, त लिखना सभी को आ जाता है, तो आपने रीड भी करना है साथ में। कैसे करते हैं? त जमा छोटी की मात्रा, ठीक है? और ये बराबर का चिन्ह है ना। तो त को छोटी की मात्रा लगी तो क्या बन गया? ती। क्या पढ़ेंगे इसको? ती। कुछ बच्चे यदि त को यदि छोटी की मात्रा लगा के ती बोलेंगे वो गलत हो जाएगा। बड़ी ई की मात्रा बोलते हैं तब हम, ठीक है? तो अभी हम छोटी की मात्रा कर रहे हैं। त को छोटी की मात्रा लगी तो इसको पढ़ेंगे ती, इसको ती नहीं पढ़ेंगे, ठीक है? आगे है थ जमा छोटी की मात्रा तो बन गया थी, ठीक है? द जमा छोटी की मात्रा दी, ठीक है? ध जमा छोटी की मात्रा धी, ठीक है? न जमा छोटी की मात्रा तो क्या बन जाएगा? न को यदि छोटी की मात्रा लगेगी तो क्या बन जाएगा? नी। प जमा छोटी की मात्रा तो क्या बन जाएगा? पी, ठीक है? फ जमा छोटी की मात्रा फी। आगे है ब छोटी की मात्रा तो ये बन जाएगा, ब को छोटी की मात्रा लगेगी तो क्या बन जाएगा? बी, भ भालू। आगे क्या है? भ जमा छोटी की मात्रा तो क्या बन जाएगा? भी। म छोटी की मात्रा लगी तो क्या बन जाएगा? मी। य जमा छोटी की मात्रा तो य को छोटी की मात्रा लगाई तो क्या बन जाएगा? यी। यी। र जमा छोटी की मात्रा तो क्या बनेगा? री। ल जमा छोटी की मात्रा तो यदि हम ल को छोटी की मात्रा लगा के जोड़ के लिखते हैं तो क्या बन जाएगा? ली, ठीक है? व जमा छोटी की मात्रा वी, ठीक है बेटा? तो इस तरह से आपने इसको पढ़ना और लिखना है, ठीक है? तो इस तरह से इसको आपने अच्छी तरह से रिवाइज करना है। ओके बेटा, बाय।